इसका क्या, पोटैटो चाहिए, आलू चाहिए, ठीक है, लेकिन वो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ना ज़्यादा छोटा हो और ना ज़्यादा बड़ा हो, उसको सही सेंटर पार्ट से हम इसको कट कर लगाएंगे, ठीक है, और इस तरह से करेंगे ऊपर नीचे ना हो, उसका जो सरफेस है वो एक बराबर से कटे और इस कट से जाके इस ये कट एकदम से मिल जाए, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक में हम लीफ बनाएंगे और एक में फ्लावर बनाएंगे, ठीक है, इसके लिए हम इसमें ड्राइंग कर सकते हैं, हमको लीफ का एक रफ ड्रॉ कर लेना है इसके ऊपर, ठीक है, और इसको कट कर लेंगे, सरफेस थोड़ा सा ज्यादा है तो इस सरफेस को कट कर लिया, ठीक है, अभी हम इसमें बीच में से कट करेंगे, थोड़ा सा इधर से तिरछा करेंगे और थोड़ा सा इधर से तिरछा करेंगे, तो ये ऐसी करके बीच में से समझ में आ रहा है सबको, फिर हमको इस साइड से पतली पतली से कट करके निकालेंगे, देखो अब हमारी पत्ती का पूरा रूप आ चुका है, ठीक है, अब हमको स्टैम्प से पकड़ने के लिए, जैसे स्टैम्प जैसा पकड़ने के लिए हमको उसको पीछे दो कट लगाने पड़ेंगे, एक इधर से साइड से कट गया और इधर से साइड से काटा, इधर से साइड, तो ये निकल गया, अब इसी तरह से हम इसको इस साइड से काटेंगे और ये काटा, ठीक है, तो ये इससे अलग हो गया, तो हम अब इसको एज ए स्टैम्प यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये हमने इधर रख दिया स्पोज कर दिया। हम इस पोटैटो पे हमने क्या किया, फ्लावर का एक डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया, हम इसको इसी डिज़ाइन के हिसाब से कट कर लेंगे, सर इससे ही कट होगा कि कोई और भी ले सकते हैं हम कट होने के, कट करने के लिए सबसे अच्छा मीडियम तो यही है, बाकी आप किसी दूसरे चाकू से नाइफ से भी काट सकते हैं अगर आपका नाइफ ठीक है तो, लेकिन काटते समय सावधानी रखना है कि पोटैटो काटना है हाथ नहीं काटना है, ठीक है ना, हाथ कट गया ना तो तुम्हारे लोगों की मम्मी मुझे पीटने के लिए आ जाएंगी, ये क्या फालतू के काम से खा दिए सर ने, अभी आलू काटो कभी भिंडी काटो, ठीक है, अभी हम इसमें टेक्सचर डालेंगे बीच बीच में, पॉज कर दो, फ्लावर में इस तरह से कट कर लिए, ये फ्लावर की तरह दिख रहा है, हमको भी इसको स्टैम्प जैसे पकड़ने के लिए इसको साइड से कट करेंगे और इस साइड से कट करेंगे, तो वो बाकी का हिस्सा यहाँ से निकाल देंगे, अभी ये हमारे एज ए स्टैम्प काम करेगा, ठीक है, और करने के लिए हमको इस कलर से इसको पत्तियों को अच्छे से दबाना है, ठीक है, अभी हमको हम इस पर इसके प्रिंट लेंगे, भी कर सकते हैं हम दीवार पर भी कर सकते हैं इस तरीके से, हाँ, और हमको फैब्रिक कलर या वाटर कलर लेना है और ब्रश से लीफ के ऊपर इस तरह से लगाना है। सर
सबको दिख रहा है? यस सर। इस तरह से लगाना है और हमको यहाँ पर इसको अच्छे से दबा देना है पूरा। प्रेस और दोबारा से फैंटास्टिक। इस तरह से हम इस स्टंप की सहायता से हमने इस तरह से पत्तियों को कर लिया है। अब हम फ्लावर का प्रिंट लेंगे, जो हमने पोट्रेटो से फ्लावर बनाया है उसका प्रिंट लेंगे, उसी तरह स्टंप की तरह से यूज करेंगे। तुम्हारा भी बने हो गया ना लेबल? फोटो कोई जरूरत नहीं, एक बार करवाना है। तुम्हारा कौन लगे सर? इसका मटेरियल वही करेगा। करो यहाँ पे, करो हाँ करो। इसको पानी में डाल दो, थोड़ा धो लेते हैं। बस अब हम क्या करेंगे, इनकी डंडियां बना देंगे पत्तियों की। नाव हमारा फिर तैयार है। फिर आपका भी ना बहुत बहुत।